हेलो मई ऑल लवली स्टूडेंट्स आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स आज क्लास फोर का कंप्यूटर का लेक्चर है चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज ठीक है इसके पहले मैंने आप लोग को चैप्टर फर्स्ट का एक पोर्सन पढ़ा दिया मैंने ठीक है डेटा स्टोरेज यूनिट बता दिया मैंने आप लोग को मेमोरी साइज बता दिया मैंने आप लोगों को ठीक है टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है प्राइमरी मेमोरी रीड ओनली मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी ये मैंने आप लोगों को बता दिया था और प्रीवियस लेक्चर में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में भी पढ़ लिए थे ठीक है रीड ओनली मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी सब कुछ हमने पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी मेमोरी से ठीक है चलिए जानते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी दिस इज़ आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं ठीक है इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ये इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकती है ठीक है रखती है डेटा इज़ नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी इवन वेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तब भी डेटा एक्सटर्नल मेमोरी से डिलीट नहीं होता है ठीक है रिमूव नहीं होता है द एक्सटर्नल मेमोरी इज इसशियल एक्सटर्नल मेमोरी क्या है बहुत ही आवश्यक है बिकॉज क्यों द इंटरनल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसकी जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो बहुत ही लिमिटेड होती है बहुत ही कम होती है यानी जो इनबिल्ट होती है कंप्यूटर में मेमोरी ठीक है इंटरनल मेमोरी क्या है जो कंप्यूटर में इनबिल्ट है मेमोरी वो जो उसकी जो क्षमता होती है स्टोरेज वो बहुत ही कम होती है इसलिए बाहर जो एक सेकेंडरी मेमोरी है या एक्सटर्नल मेमोरी है इसका यूज़ करना पड़ता है आप इसे फ़ोन से समझ लीजिए जो आपके फ़ोन की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो फुल हो जाती है आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं ठीक है उसी तरीके से कंप्यूटर की भी जो इंटरनल मेमोरी है वो बहुत कम होती है इसलिए एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी लेटेस्ट डिस्कस अबाउट सम कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आइए जानते हैं कुछ जो कॉमनली मतलब अक्सर जो जिन डिवाइसों का यूज़ वो हो होता है स्टोरेज डिवाइसेस का जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनका अक्सर यूज़ होता है ज़्यादातर यूज़ होता है उनके बारे में जानते हैं चलिए सबसे पहला क्या है हार्ड डिस्क अब अक्सर आप लोग सुनते हैं हार्ड डिस्क ये देखिए ये फिगर देख लो आप लोग ये है आपकी हार्ड डिस्क ठीक है ये चलिए अब जानते हैं इसके बारे में क्या है कैसे वर्क करती है दिस इज द मेन स्टोरेज डिवाइस फिक्स इन साइड द सी पी यू बॉक्स ये मेन ये मुख्य स्टोरेज डिवाइस है जो कि सी पी यू बॉक्स में फिक्स रहती है सी पी यू बॉक्स में फिक्स की जाती है इट हैज़ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी विच कैन रेंज फ्रॉम फाइव हंड्रेड जी बी टू फाइव टी बी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत ही ज़्यादा है बहुत ही लार्ज है ठीक है इसमें फ़ाइव हंड्रेड जी बी से लेके फाइव टी बी तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है किस में हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ मल्टीपल मेटेलिक डिस्क कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल जो आपका हार्ड डिस्क है वो एक्चुअली किससे बना होता है कई सारी धातुओं से मल्टीपल धातुओं से जो डिस्क होता है वो बना होता है उसे इस इसमें जो लेप होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल का होता है ठीक है दीज डिस्क आर नोन एज प्लेटर्स इन डिस्क को हम प्लेटर्स भी कहते हैं ठीक है इंफॉर्मेशन ऑन दीज डिस्क इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल कॉल ट्रैक्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इन सेक्टर क्या है इन्फॉर्मेशन जो इस डिस्क में रिकॉर्ड होती है वो दोनों साइड्स में रिकॉर्ड होती है हार्ड डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है वो दोनों साइड रिकॉर्ड होती है और जो बीच में जो सर्किल होता है उसे हम कहते हैं ठीक है थीके? जो साइड्स इन द वो सर्क एक सर्किल में इसमें जो होता है डेटा होता है कोटेड होता है ठीक है उसे हम कहते हैं ट्रैक्स ठीक है और ये दो सेक्टर में डिवाइड होता है चलिए आगे देखते हैं ब्रेन बॉक्स में जान लेते हैं क्या है हार्डिक्स वॉज इन्वेंटेड बाई आई वी एम टीम लीड बाई रॉय जॉनसन जो हार्डिक्स है वो आई वी एम के टीम के द्वारा इन्वेंट किया गया है यानी खोजा गया है इसका निर्माण किया गया है इस टीम को लीड कौन कर रहा था रॉय जॉनसन ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द डिस्क ड्राइव इसलिए इनको हम कहते हैं फादर ऑफ द डिस्क ड्राइव यानी डिस्क ड्राइव के पिता कहा जाता है किसको रॉय जॉनसन को ठीक है आई टीम थी लेकिन इसको लीड किसने किया था रॉय जॉनसन ने ठीक है इसलिए इनको फादर ऑफ द डिस्क ड्राइव कहते हैं चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी बहुत ही कॉमन है आजकल तो नहीं यूज़ हो रहा है इसका लेकिन पहले बहुत सीडी का यूज़ होता था है ना इट इज़ अ थीम यह है आपकी सीडी इट इज़ अ थीन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ रिफ्लेक्टिव मेटल ये बहुत ही पतली प्लास्टिक की डिस्क होती है जो कि रिफ्लेक्टिव जो मेटल जो धातु होती है उससे कोटेड होती है यानी इस पर जो लेप होता है वो मेटलिक धातु का होता है ठीक है रिफ्लेक्टिव परा रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है परावर्तक ठीक है डाटा इन दिस डिस्क इज स्टोर्ड ऑप्टिकली इसमें जो डेटा स्टोर होता है ऑप्टिकली का मतलब क्या होता है लाइट से प्रकाश मतलब ले, लेजर लाइट ये होती है ना इसमें से अलग से डेटा कोई टाइप नहीं किया जाता है ठीक है ऑप्टिकली डेटा इसमें स्टोर होता है इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज अप टू सेवन हंड्रेड एम बी एंड इट कैन स्टोर वराइटी ऑफ डेटा लाइक पिक्चर्स मूवीज साउंड एटसेट्रा इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है सेवन हंड्रेड एम बी किस की सी डी की स्टोरेज कैपेसिटी है सेवन हंड्रेड एम बी ठीक है एंड सी डी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स और कई सी डी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो कई वैरायटी का हो सकता है लाइक like पिक्चर्स भी मूवीज़ साउंड्स सॉन्ग्स मतलब सब कुछ ठीक है टाइप्स ऑफ डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है अब देखते हैं सी डी रोम क्या है इन दीज डेटा इज़ रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैनुफैक्चरिंग विच कैन नॉट बी इरेज्ड और चेंज्ड जो सी डी रोम में जो डेटा होता है जो रिकॉर्ड किया जाता है मैनुफैक्चर के टाइम में सी डी रोम क्या है इसमें जो डेटा मैनुफैक्चर के टाइम यानी जब बनता है उसी टाइम इसमें जो डेटा रिकॉर्ड होता है उसे हम इरेज नहीं कर सकते यानी उसे हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं और इरेज भी नहीं कर सकते हैं ठीक है यानी ना डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं ना डेटा को बदल सकते हैं सी डी रोम में देखते हैं सी डी आर क्या है ये जो है ये सब सी डी की टाइप है है ना सी डीज कैन बी डिफरेंट टाइप्स वो डिफरेंट टाइप्स नीचे दिया हुआ है पहला टाइप है सी डी रोम दूसरा टाइप है सी डी आर तीसरा है सी डी आर डब्ल्यू सी डी रोम हमने जान लिया अब देखते हैं सी डी आर क्या होता है दीज आर द रिकॉर्ड टेबल सी डी एस ऑन विच डेटा कैन बी स्टोर्ड बट वंस ओनली सी डी आर जो है इसमें डेटा रिकॉर्ड होता है लेकिन सिर्फ एक बार ठीक है एक बार डेटा को स्टोर किया जा सकता है रिकॉर्ड किया जा सकता है अब देखते हैं सी डी आर डब्ल्यू क्या है थर्ड टाइप These are rewritable disk and their data can be changed any time if needed. इस इसका क्या इसकी क्या क्वालिटी क्या है सी डी आर डब्ल्यू की इसमें जो डेटा है उसे री राइट कर सकते हैं दोबारा से इसमें डेटा को फीड कर सकते हैं डेटा को चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो लेकिन जो सी डी रोम है सी डी आर है इसमें डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते थे ये डिफरेंस है सी डी रोम सी डी आर और सी डी आर डब्लू में ठीक है आइए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट है आपका डीवीडी और इसका फुल फॉर्म क्या है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क यह है आपकी डीवीडी। ठीक है देखने से सी डी के टाइप ही लग रही है और डीवीडी इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस एंड यूज फॉर डेटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज़ विथ हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो डीवीडी भी क्या है इसमें भी डेटा ऑप्टिकली ही स्टोर होता है इसमें भी ठीक है और इसमें जो डेटा स्टोर होता है जो मूवीज़ स्टोर होती हैं जो साउंड स्टोर होता है जो वीडियो स्टोर होता है जो ऑडियो स्टोर होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है ठीक है बहुत ही हाई क्वालिटी होती है अ डीवीडी इज़ सिमिलर टू अ सी डी इन सेप एंड साइज बट हैज़ अ मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज ऑल्सो स्ट्रांगर देन अ सी डी जो आपकी डीवीडी है देखिए देखने से भी लग रहा है सी डी की तरह ही है ना ये आपकी डिवीडी है ठीक है क्या है ये डीवीडी देखने से सी डी की तरह ही लग रही है ठीक है लेकिन इसमें इसकी जो स्टोरेज इस कैपेसिटी सेप और साइज में ये डि सी डी की तरह है ठीक है डीवीडी आपका सेप और साइज में सीडी की तरह है लेकिन जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है जो इसकी क्षमता है डेटा को स्टोर करने की वो सीडी से बहुत ज़्यादा है ठीक है इट कैन स्टोर अप टू फोर पॉइंट सेवन जी बी डेटा ये स्टोर कर सकती है फोर पॉइंट सेवन जी बी डेटा किस में में आप स्टोर कर सकते हो फोर पॉइंट सेवन जी बी डेटा टू लेयर डीवीडीज़ होल होल्ड डबल द अमाउंट ऑफ डेटा और जो टू दो लेयर होता है जिस डीवीडी में वो जस्ट इसका डबल अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकता है क्योंकि लेयर दो है तो डेटा भी डबल हुआ ना सिंपल चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है एक्सटर्नल डिवाइस ब्लू रे डिस्क ये है आपकी ब्लू रे डिस्क इसका कलर भी ब्लू ही है है ना ब्लू रे इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट डिज़ाइन टू डिस्प्ले हाई डेफिनेशन वीडियो एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो ब्लू रे है ये भी ऑप्टिकल डिस्क है ठीक है और ये डिज़ाइन किया गया है डिस्प्ले करने के लिए बहुत ही हाई डेफिनेशन वाली वीडियोस और इसकी जो वीडियो इसमें जो वीडियोस होती हैं जो इससे वीडियो डिस्प्ले होती हैं बहुत ही हाई डेफिनेशन यानी उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है ठीक है आप लोग कहते हैं ना एचडी वीडियो है इसकी क्वालिटी अच्छी है इसकी क्वालिटी डल है ठीक है और इसमें जो डेटा स्टोर होता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं ब्लू रे इज़ द सक्सेजर टू डी वी डी ब्लू रे क्या है डी वी डी के उत्तराधिकारी है ठीक है द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ब्लू रे डिस्क इज़ ट्वेंटी फाइव जी बी ऑन सिंगल साइड एंड फिफ्टी जी बी ऑन इट्स डूबल साइज जो देखो उत्तराधिकारी डी वी डी का क्यों कहा गया डी वी डी में भी दो लेयर था उसमें भी डेटा दोनों जब दोनों दो लेयर है तो डेटा भी डबल होता था और इसमें ब्लू रे में भी सेम वही है इसमें कैपेसिटी डीवीडी दि, से थोड़ी सी ज़्यादा है ठीक है इसलिए इसको सक्सेसर कह दिया गया डीवीडी का कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन जो वर्क जो इसका काम है वो लगभग सेम ही है इसमें भी डेटा दो साइड दोनों साइड रिकॉर्ड होता है ठीक है और फिफ ट्वेंटी फाइव जी बी वन साइड होता है और अगर डबल हो गया तो फिफ्टी जी बी हो जाता है ठीक है अब आते हैं फ्लैश ड्राइव पे देखते हैं फ्लैश ड्राइव क्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैश ड्राइव की आप लोग पिक देख लीजिए सी ये है आपकी फ्लैश ड्राइव ये भी ठीक है आइए इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है आज के टाइम में सी डी इन सब का तो यूज़ ही नहीं होता है अब है ना चलिए देखते हैं अब फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी जो फ्लैश ड्राइव है ये जो पेन इसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं पेन ड्राइव को ही बेसिकली फ्लैश ड्राइव कहते हैं दोनों एक ही है अगर आप फ्लैश ड्राइव बोल रहे हो तो भी पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं ठीक है ये इसकी जो स्टोरेज इस कैपेसिटी है वो कई टाइप की होती है ऐसा नहीं है जैसे आप लोगों ने देखा कि डी में वन पॉइंट फोर जी बी था है ना कि वो नहीं सॉरी सॉरी डीवीडी में था फोर पॉइंट सेवन जी बी और ब्लू रे डिस्क में था ट्वेंटी फ़ाइव जी बी सब में अलग अलग है एक फ़िक्स अमाउंट है कि इसमें इतना ही स्टोर हो सकता है लेकिन आपकी जो पेन ड्राइव है जो फ्लैश ड्राइव है इसमें जो है जो स्टोरेज कैपेसिटी वो अलग अलग है फोर जी बी एट जी बी सिक्सटीन जी बी थर्टी टू जी बी सिक्सटी फोर जी बी अप टू वन टी बी मतलब वन टी बी तक डेटा स्टोर हो सकता है किसमें फ्लैश ड्राइव में पेन ड्राइव में दोनों एक ही है ठीक है अब फ्लैश ड्राइव इज प्राइमरली यूज टू ट्रांसफर एंड स्टोर डेटा जो जो फ्लैश ड्राइव है वो क्या होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए दोनों काम के लिए इसका यूज किया जाता है ठीक है पेन ड्राइव कर लगा के हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफर कर लेते हैं या कंप्यूटर से जो भी डेटा है पिक्चर है मूवी है वो हम पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेते हैं करते हैं ना However, in इन सम specially designed डिज़ाइन और flash drives ड्राइव्स also be used to टू रीड राइट delete डिलीट डेटा computer कंप्यूटर सिस्टम कभी कभी कुछ केस में इस्पेशली जो पेन ड्राइव होती है वो डिज़ाइन की गई रहती है उसमें प्रोग्राम होते हैं ओनली ठीक है जो कि जिसका यूज़ किया जाता है रीड राइट करने में डेटा को डिलीट करने में कम्प्यूटर सिस्टम में ठीक है जो पेन ड्राइव में हम ले लेते हैं जब न्यू लैपटॉप आप लेते हैं कुछ भी है तो उसका जो होता है प्रोग्राम उसको हम पेन ड्राइव में रख लेते हैं तो कभी भी अगर वो डिलीट होता है या प्रोग्राम लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर से हम उस पेन ड्राइव को लगा के जो सारा उसका सिस्टम है फिर से अपलोड कर लेते हैं ठीक है तो इसका कहने का सेंस यही है आइए देखते हैं टू यूज़ अ फ्लैश ड्राइव यू नीड टू प्लग इन टू अ यू एस बी पोर्ट ऑन अ कंप्यूटर आपको फ्लैश ड्राइव यूज़ करने के लिए जो कंप्यूटर में एक यू एस बी पोर्ट होता है उसमें आप फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हैं ठीक है कंप्यूटर में लैपटॉप में साइड में होता है ना पोर्ट जैसे आप चार्जर वगैरह देखते हैं चार्जर में होता है उसको चार्जर निकाल के ऐसे है ना उसका जो वायर होता है वैसे ही पोर्ट क्या होता है इसमें होता है ठीक है कंप्यूटर सॉरी एज अ फ्लैश ड्राइव इज इजी टू यूज़ एंड स्मॉल इनफ टू बी कैरिड अराउंड इट इज़ वेरी पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस जो फ्लैश ड्राइव है वो यूज़ करने में बहुत ही इजी है बहुत ही आसान है और इतनी छोटी है हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं ठीक है ठीके? और बहुत ही पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है क्या फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव ठीक है आज के टाइम में मोस्टली यही यूज़ हो रही है चलिए देखते हैं क्योंकि ये कहीं भी ले जा भी सकते हैं आसानी से और इसका यूज़ ट्रांसफ़र करने में भी डेटा कर सकते हैं राइट करने में भी कुछ भी इसमें चेंज भी किया जा सकता है ठीक है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ठीक है अब देखते हैं मेमोरी स्टिक पहले आप लोग फिगर देख लीजिए मेमोरी स्टिक का सॉरी स्टिक ये है आपकी मेमोरी स्टिक सी पिक्चर चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में दिस इज़ अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड ये क्या है रिमूवेबल है ये जो मेमोरी कार्ड है इसको हम मतलब रिमूवेबल निकाल सकते हैं आल्सो नोन एज़ मल्टीमीडिया कार्ड इसे हम मल्टीमीडिया कार्ड के नाम से भी जानते हैं मतलब ये जो मेमोरी कार्ड है इसको हम जब चाहे कंप्यूटर में लगा सकते हैं जब चाहे कंप्यूटर से निकाल सकते हैं ठीक है इट इज़ हाई कैपेसिटी हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस जनरली यूज इन मोबाइल्स कैमराज टैबलेट्स प्ले स्टेशन एट्सेट्रा ये क्या है हाई कैपेसिटी हाई स्पीड इसकी जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है मेमोरी स्टिक की ठीक है इसमें जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बहुत ही हाई स्पीड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसकी स्टोरेज होती है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं और जनरली इसका यूज़ होता है मोबाइल में कैमरा में टैबलेट में प्ले स्टेशन ऐसी जगहों पे मोबाइल में हम यूज़ करते हैं ना वो मेमोरी कार्ड मल्टीमीडिया कार्ड भी उसे कहते हैं वही है आपकी मेमोरी स्टिक ठीक है इट्स स्टोरेज कैपेसिटी कैन रेंज फ्रॉम वन जी बी टू वन ट्वेंटी एट जी बी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है यानी आपके जो मेमोरी कार्ड है जो मल्टी मीडिया कार्ड है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है वन जी बी टू वन ट्वेंटी एट जी बी वन जी बी टू वन ट्वेंटी एट जी बी ठीक है मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी होती है स्टोरेज कैपेसिटी ठीक है आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने पूरा एक्सटर्नल डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा ये सब आपकी क्या थी सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी हम पहले पढ़ लिए थे रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा रीड ऑनली मेमोरी रोम हम्म उसके बाद हमने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी टाइप है वो भी हमने पढ़ा हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी ब्लू रे डिस्क फ्लैश ड्राइव मेमोरी स्टिक सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर कहीं आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है थीके? और आप लोग का एक ही आज चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट डे हम जब मिलेंगे तो नेक्स्ट सेशन में चैप्टर टू स्टार्ट करूंगी मैं ठीक है आप लोग का कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे मैं कराऊंगी एक एक चैप्टर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है डेली चैनल को विजिट करते रहिए ठीक है थीके? आप लोग का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और अगर चैनल अगर आप लोग को समझ में आता है कंटेंट सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ एक लाइक like और सब्सक्राइब तो बनता है ठीक है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी बी सेफ बी हैप्पी बी हेल्दी हैव अ गुड डे